उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में श्री साईनाथ विद्या मंदिर संजय नगर में 100 बच्चों को स्वेटर व वस्त्र और अध्यापक गणों को साल भेंट कर किया कार्यक्रम। आपको बताते चले कि स्कूल में सर्द मौसम में समस्त 100 बच्चों के स्वेटर व वस्त्र और 110 से अधिक अध्यापक गणों को शॉल उड़ाकर सांस्कृतिक व साहित्य शाखा के तत्वाधान में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सुनील अग्रवाल, पवन अग्रवाल, अशोक गुप्ता, संदीप अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे। वहीं आपको बताते चले सिंधु नगर में कोरोना की वैक्सीन का कैंप का हुआ आयोजन, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पहली किसी ने दूसरी किसी ने पहली बूस्टर डोज का लगवाई वैक्सीन। वैक्सीन लगवाने वालों में गुंजन अग्रवाल, मीनल पल चाली, नेहा पर सिंह, पिंकी काकनी, महेश मौर्य आदि लोगों ने वैक्सीन का लाभ उठाया। इस अवसर पर पार्षद लेखराज मोटवानी ने बताया कि वैक्सीन सभी के लिए लगाना अनिवार्य है। फॉर शिमला मौर्य, जयप्रकाश देवनानी आदि लोग वहाँ उपस्थित रहे। वहीं आपको बताते चले कि जिलाधिकारी सेवाकांत द्विवेदी द्वारा दिए गए निर्देश क्रम में आज जिला प्रोबेशन अधिकारी नीता अरवार के द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस सप्ताह समारोह कार्यक्रम में अंतर्गत फरीदपुर में बेटियों के जन्म पर उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग द्वारा कन्या जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिलाधिकारी सेवाकांत द्विवेदी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अखिलेश कुमार चौरसी, उप जिलाधिकारी पारुल तरार, एडमिशन सीएमओ हरपाल सिंह, जिला प्रधानाधिकारी नीता अरवार सभी ने मिठाई व उपहार प्रदान किए। बेटी के जन्म पर माता पिता को बधाई एवं बेटी को आशीर्वाद भी दिया। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में जिलाधिकारी सेवाकांत द्विवेदी के आदेश अनुसार क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तत्वाधान में एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सीबीगंज में रोजगार मेले में 13 कंपनियों ने प्रतिभाग लिया, जिसमें 1132 अभ्यर्थियों ने रोजगार मेले में पंजीकरण करवाया। युवक ने सिपाही पर लगाया पिटाई करने का आरोप। थाना किला क्षेत्र के मोहल्ला छावनी निवासी ऋतिक दिवाकर पुत्र हरिशंकर ने सिपाही के द्वारा मारपीट व दर्द करने का आरोप लगाते हुए एसएसपी को एक प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। ऋतिक दिवाकर पुत्र हरिशंकर ने बताया, सुबह 11 बजे से टाटा के ऑफिस ईएमआई जमा करने जा रहा था, वहीं चौपला पुल के ऊपर मोटरसाइकिल खड़ा करने लगा। फोन पर बात की तो मोटरसाइकिल इंडिकेटर जल रहे थे, पीछे सिपाही ने आकर मारपीट करना शुरू कर दी। क्या नाम बेटा तेरा? दिवाकर नाम है मेरा। कहाँ रहते हो? किला छावनी। क्या मामला है? मैं कलेक्शन करता हूँ टाटा कैपिटल का, टाटा कैपिटल का कलेक्शन करता हूँ सर। टाटा कैपिटल से कलेक्शन करता हूँ और मैं साइड में लगा के फोन से बात कर रहा था कस्टमरों से। इन्हें आते छूटते घर आता भाई शुरू कर दी, मेरा मोबाइल छीन के भागे, 2000 रुपए छीन के भागे। क्यों मारा? क्यों मारा? यू कहता हूँ साइड में लगा के बात क्यों कर रहे हो? कौन है ये? ये पुलिसकर्मी है सर। देखिए पुलिसकर्मी रह गए योगी राज में, इतनी बड़ी बदतमीजी हमारे साथ कर रहा है सर, और जनता के साथ इतनी बड़ी बदतमीजी कर रहा है, और बच्चों स्टूडेंटों के साथ बदतमीजी कर रहा है। ये मारा क्या करा तुम्हें सर? मेरे साथ मारा है, मेरे को मारपीट शुरू करी है। अच्छा यस। और ये इनने मेरे साथ मोबाइल छीना है, मारा पीटा, बदतमीजी करी है। ये नहीं मोबाइल नहीं, और सर इन्हें मेरे साथ बदतमीजी करी है, मारा पीटी करी है, मेरे साथ मारा पीटी बदतमीजी करी है। एसएसपी साहब से ये चीज कही जाएगी, ये पुलिसकर्मी जाके और अपना आतंक फैला रहा है। माननीय मुख्यमंत्री से वही बताते चले कि कोचिंग में नाबालिग छात्रा लापता, 18 दिन से बाद पुलिस ढूंढने में रही नाकाम। 2 जनवरी को कोचिंग के लिए शाम 5:30 बजे निकली छात्रा कोचिंग नहीं पहुंची तो रास्ते से गायब हुआ। पुलिस को परिवार वालों ने थाना बारादरी में तहरीर दी, छात्रा का कोई पता नहीं चल सका। थाना बारादरी में सैलानी रोड पुराना शहर निवासी गोरमिया ने, मेरी लड़की को नाबालिग है और 5:30 कोचिंग के लिए घर गई थी, कोचिंग नहीं पहुंची। आज उन्होंने शिकायती पत्र देकर गुमशुदी लिख दी और छात्रा कोई भी तक पता नहीं चला। परिवार वालों ने अधिकारियों से लड़की बरामद करने की गुहार लगाई है। मेरी बच्ची जो थी 2 जनवरी को जो थी कोचिंग गई थी 5:30 बजे, रोज जाती थी, उस दिन ना कोचिंग पहुंची ना घर वापस आई है और उसका कोई पता नहीं है। हमने सभी जगह तलाश भी कर लिया, कहीं उसका कोई पता नहीं चल गया। FIR भी करा दी हमने, लेकिन कुछ पता नहीं चल गया। कौन सी क्लास में थी? 9 क्लास में थी सर। क्या लग रहा है आपको? हमें यही लग रहा है कि कहीं उसका अपहरण उपहरण तो नहीं हो गया। वहीं आपको बताते चले कि 2 लोगों की हत्या की आशंका पर परिजन ने कब्र से निकाला सब। नायब तहसीलदार पुलिस से निकलवाया गया सब। बरेली की तहसील फरीदपुर के मोहल्ला फरुखाबाद का रहने वाला युवक नासिर अहमद पुत्र मोहम्मद अनीस द्वारा 40 वर्ष 15 जनवरी को शाम खाना खाने के बाद घर से बाहर टहलने निकला था। देर रात तक वापस नहीं आता और मोहल्ले वास में उसका सब करवल निकल कर गुजर रहे रेलवे ट्रैक पर पड़ा देखा। सनसनी फैल गई तो रोते भी लगते परिजन ने अनहोनी की शंका चलते हुए देर शाम तक कब्रिस्तान में सब दफना कर दिया। समीम जी कहाँ से आए हैं? फरीदपुर मोहल्ला फरुखपुर से। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है कि मतलब 2 दोस्तों के साथ में 7:30 बजे घर से निकले, 7:30 बजे के लमसम। कौन निकले?
नसीर अहमद हमारे भाई, ठीक है, बार रिजवान के साथ में। और रिजवान ने ये बताया है कि उसके बाद में असलम भी आ गए थे, असलम आ गए थे, तीनों लोगों ने जो भी पार्टी शार्टी जो भी की हो 100 रुपये के पीछे विवाद हो गया, लड़ाई रिजवान बता रहा था ये कि 100 रुपये के पीछे झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, फिर उसके बाद में चाकू चला दिया उन पर। चाकू चलाने के बाद बेहोश हो गए वो, उनकी फिर जान ले ली गई, फिर उन्हें रेलवे ट्रैक के पास में फेंक दिया गया। क्या करते थे आपके भाई? मेरे भाई ड्राइवर थे, गाड़ी चलाते थे, दिल्ली में छुट्टी में आए थे, शादी हो गई थी, 2 बच्चे हैं उनके छोटे छोटे। घटना में कौन कौन लोग शामिल थे? और ये घटना में ये ले शामिल थे, मतलब रिजवान ने ये बताया है, खुलासा किया है, मतलब कि असलम और ने चाकू से हत्या की है और मैंने सिर्फ पकड़ के उनका साथ दिया है। ये 15 फरवरी शाम 9:30 या 10 के बीच की घटना है ये। सबके लिए अपने कब्रिस्तान से निकलवाया? हाँ, हमने सबके लिए कब्रिस्तान से कहा, कुछ हमें शक मिला, शक हमें हुआ कुछ, हमने जांच करी अपने आप से तो हमें पता लगी कुछ ऐसा वो है मामला, तो हमने सब निकलवाया। कहाँ कहाँ चोटों के निशान है? चोट के निशान पेट में है, हाथ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, गर्दन के पास में ऐसे चोट के निशान थे। कोई पुरानी रंजित भी है तुम्हारे? कोई रंजित नहीं, हमें तो पता कोई रंजित नहीं है, मतलब बाकी हमें नहीं पता इसके बारे में कुछ भी। वहीं आपको बताते चले कि खाटू श्याम मंदिर भंडारा करवाने जा रहे हैं, बाइक सवार को ट्रक में मारी टक्कर, 70 वर्षीय किशोरी की मौके पर हुई मौत, 2 घायल। सुहासनगर क्षेत्र के मोहल्ला मणिनाथ निवासी सचिन अपने फुफेरे भाई विजय, विपिन, चचेरी बहन संगम, डिंकी, सिंकी के अलावा परिजनों के साथ मनोना के खाटू श्याम मंदिर में शनिवार के सुबह भंडारा करवाने जा रहे थे। विपिन और सचिन बाइक पर, विपिन के साथ चचेरी बहन थी, विजय परिवार वाले स्वतंत्र टेम्पू सवार थे। आंवला पिमोरा फैमिली कॉन्वेंट स्कूल के पास टक्कर हो गई और घायल हो गए। वहीं आपको बताते चलें कि पीलीभीत के बीसलपुर के ग्राम हाफिज नगर वनाई में अमावस्या के दिन से मंदिर में मेला, श्रद्धालुओं में उमड़ी भीड़। वहीं आपको बताते चले बांके बिहारी मंदिर प्रांगण में चल रही श्रीमद् भागवत कथा पंचम दिवस पर आचार्य संजीव कृष्ण महाराज के द्वारा आनंद उत्सव की ओर से बढ़ते भगवान बालकृष्ण द्वारा यमला अर्जुन जैसे राक्षसों उद्धार प्रण बालकृष्ण के द्वारा की गई लीलाएं जैसे माखन चोरी लीला, कालियों नाग नाथन की लीला, वस्त्रण लीला आदि का बहुत सुंदरता वर्णन किया। साथ ही वंश रक्षण प्रकाश डालते हुए कहा गोविंद की भी इष्ट है और गो माता मर्म संहिता के आधार पर गौ सेवा आदेश गोविंद से बढ़कर है।